साथियों वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS Online ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है चलिए सभी को वालेकुम असल जी मतीन काविश काविशुलफार अंसारी और आयशा परवीन जी सभी का वेलकम है एम डी शकील शमशेर आलम जी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ फैज़ अहमद फैज़ मुकम्मल हयात व फैज अहमद फैज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले दो तीन जानकारी आप जान लीजिए ये क्लास जो है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए और यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड मानु बीएड इन सभी के लिए है काफी हेल्पफुल होगा उर्दू वालों के लिए और आज जो है वो 18 मार्च 2023 है ठीक है ना 18 मार्च 2023 है और आज आप लोगों का एक फ्री टेस्ट जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे है जो लोग कोर्स लिए होंगे वो भी लोग दे पाएंगे जो लोग नहीं लिए हैं कोर्स वो भी दे पाएंगे यानी ये कोर्स टेस्ट जो है जो सिकेंड उर्दू टेस्ट के नाम से है इसके अंदर 100 क्वेश्चन दिया गया है और 90 मिनट का टाइम दिया गया है आप भी दे सकते हैं वीडियो जब खत्म होगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऑनलाइन टेस्ट का उसको क्लिक करके आप भी टेस्ट दे सकते हैं अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे या टेलीग्राम जीएस ऑनलाइन बाई निषाद सर टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मैंने भेज दिया है और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको तो पहले ही सब चीज मिल चुका है अब इतमान से क्लास कीजिएगा आज सात बजे से लेकर कल आठ बजे यानी उन्नीस तारीख आठ बजे तक इसका टाइमिंग है इस दरमियान जब मर्जी हो आप डेढ़ घंटा निकालकर टेस्ट दीजिएगा बहुत मजा आने वाला है उर्दू अदब का टेस्ट है ठीक है ना जे शुरू करते हैं अब हम चलते हैं टू द पॉइंट अपने क्लास की तरफ ये बातें थी जो टेस्ट से संबंधित थी आप टेस्ट जरूर दीजिएगा और टेस्ट जो है मैंने टेलीग्राम पर भी लिंक के डाल दिया है और यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर भी डाल दिया है और जब वीडियो खत्म होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने डाल दिया है है ठीक ना ये फ्री टेस्ट है दूसरा टेस्ट 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 है अब अगला होगा होगा तो पैड चलिए आज हम लोग जानेंगे फैज अहमद फैज इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था अल्लामा इकबाल उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था नजीर अकबर आबादी उससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कौन सल्तनत बीजापुर और उससे भी पहले हमने आपको पढ़ाया था कुली कुतुबिशाह और उससे भी पहले पढ़ाया था वली दकनी या फिर वली औरंगाबादी तो ये टोटल हमारा नौवा लेक्चर है बहुत अच्छा आप इस को समझेंगे इसका मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें याद कराता चलूंगा टेंशन न लीजिएगा ठीक है ना चलिए लेकिन टेस्ट जो है ना आप इतमान से दीजिएगा टेस्ट टेस्ट दीजिएगा समझ के दीजिएगा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है चलिए फैज अहमद फैज का जो असल नाम है वो नाम था फैज अहमद और ये तखल करते थे फैज इसीलिए कहा जाता है फैज अहमद फैज इनके वालिद का नाम था सुल्तान मोहम्मद खान क्या नाम था इनके वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान और जिनका शुमार सियाल के मशहूर बैरिस्टरों में होता था यानी सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां के इनके वालिद साहब मशहूर वकील थे क्या थे मशहूर वकील थे इनके वालिद साहब ठीक है ना चलिए अगर मैं बात करूं पैदाइश के बारे में फैज अहमद फैज की तो फैज अहमद फैज की जो पैदाइश है तेरह फरवरी सन 1911 सौ ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी इससे पहले हमने पढ़ा है कि 9 नवंबर नौ सन में अल्लामा की पैदाइश भी सियालकोट में हुई थी उसके बाद अगर मैं बात करूं वफात के बारे में तो इनकी जो वफात है वो 20 नवंबर सन उन्नीस ईस्वी को हुआ था और लाहौर में दफन किए गए यानी इनका जो मदफन है वो लाहौर है किनका फैज अहमद फैज का फैज अहमद फैज ने मैट्रिक का इम्तिहान इसकाज मिशन हाई स्कूल सियालकोट से पास किया और 1927 में फैज अहमद फैज ने स्काच मिशन हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीजन से इंटरमीडिएट किया था कब किया था 1927 में 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज से बीए अरबी ऑनर्स में पास किया यानी ये अरबी से इन्होंने बीए किया था किसने फैज अहमद फैज ने उसके बाद आगे है 1935 में फैज लेक्रार एम ए कॉलेज अमृतसर में ये क्या हो गए थे बहाल हुए थे ने अंग्रेज खातून एपेल्स जार्ज को मुसलमान बनाकर कुलसुम नाम रखा और 1941 में उनसे शादी किया किनसे कुलसुम से, से यानी उनका अंग्रेजी नाम जो था वो नाम था एप्लस ठीक है ना, जे। और इनका जिन्होंने निकाह पढ़ाया था उनका नाम था अब्दुल्ला किसने था अब्दुल्ला ने इनका निकाह पढ़ाया था अंग्रेजी में एम ए किया था यानी देखिए अरबी में इन्होंने बी ए किया और अंग्रेजी में इन्होंने एम ए किया फैज ने माहनामा अदब लतीफ अदब लतीफ एक रिसाला का नाम है जो लाहौर से निकलता था तो माहनामा अदब लतीफ की इदारत उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी में संभाली थी यानी ये उसके मुदीर भी हुए थे कौन फैज अहमद फैज फैज अहमद फैज की तकरूरी फौज में कैप्टन के ओहदे पर 1941 ईस्वी में हुआ था क्या कैप्टन बने थे ये फैज 1943 में मेजर और 1944 में कर्नल के ओहदा पर फायज हुए थे ये सारे के सारे जो ओहदे हैं वो साथियों फौज से मुतालिक हैं ठीक है ना बस फैज ने उन्नीस में फौज से इस्तीफा देकर पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज की इदारात संभाली ये दोनों भी वहां के अखबार हैं ठीक है ना 9 मार्च 1951 में लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में फैज को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि वहां की जो फौज होती है वो साथियों तख्ता पर काबिज हो जाती है जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में आपने सुना होगा तो इसी तरह उनके जो सबसे पहले साथियों लियाकत अली खान की भी हुकूमत गई थी तो उनके साजिश में इनको गिरफ्तार किया गया था गिराने के में। की शायरी को रुमान और इनकलाब का हसीन संगम नून मीम राशिद ने कहा था लगा लीजिएगा मोस्ट वीवीआई ये सब खोजने से नहीं मिलेगा कि फैज की शायरी को रुमान और इनकलाब का हसीन संगम किसने कहा तो नून मीम राशिद ने कहा था फैज़ को शार रूमान और शार इनकलाब भी कहा जाता है ऐसे तो शार रूमान अख्तर शिरानी को कहा जाता है शार इनकलाब शार शबाब जोश मलिहाबादी को कहा जाता है लेकिन फैज अहमद फैज को भी शायर रूमान और शार इनकलाब कहा जाता है फैज अहमद फैज़ का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था ये बड़ा साथियों फेमस है कि तरक्की पसंद तहरीक से आम तौर पर जो शराय कराम जुड़े थे उनके बारे में आपको पूछा जाता है जैसे अली सरदार जाफरी है ठीक है ना तो इसी तरह फैज अहमद फैज भी साथियों तरक्की पसंद तहरीक से ये लोग जुड़े हुए थे ठीक है आगे चलते हैं फैज के सात शेरी मजमु हैं जो उनकी जिंदगी में शाये हुई मैंने पढ़ा था कि अलामा इकबाल के चार उर्दू शेरी मजमु हैं जबकि फैज के कितने हैं सात हैं इन मजमुओं को यकजा करके यानी ये सातों मजमु को एक जगह इकट्ठा करके फैज का कुलियात, वफ़ा, याद नुस्खहा नुस्खहा वफा के नाम से शायद हुआ यानी जो फैज अहमद फैज के चार शेरी मजमु हैं ना उनके सात, उन सातों को एक जगह इकट्ठा किया गया और उसका नाम दिया गया फैज का कुल्यात यानी नुस्खहा वफा ये नाम से साथियों शायद किया गया अब उसके बाद जो हमने पढ़ा है कि फैज अहमद फैज के, के सात शेरी मजमु कौन कौन से हैं तो इसमें सबसे पहला जो मजमु है उसका नाम है नक्शे फरियादी बहुत ही फेमस है एग्जाम में बार बार आपको पूछा जाएगा कि नक्शे फरियादी क्या है तो शेरी मजमु है किनका है फैज अहमद फैज का है तो पहला मजमु फैज अहमद फैज का नक्श फरियादी के उनवान से सन उन्नीस सौ ईस्वी में शाये हुआ था नक्शे फरियादी का मुकदमा नून मीम राशिद ने लिखा था जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगे दरा अकबाल का पहला शेरी मजमु है लेकिन बंगे दरा का मुकदमा किसने लिखा था शेख अब्दुल कादिर ने लिखा था तो इसी तरह नक्शे फरियादी जो है ये साथियों फैज अहमद फैज का पहला मजमु है और नक्शे फरियादी का मुकदमा नून मीम राशिद ने लिखा था इस बात को याद रखिएगा कुछ लोग आपस में बड़ा कमेंट कर रहे हैं भाई बोल दिया कि डी त्रिपाल एस बी टी, टी यूपी टी यू जी टी एल टी ग्रेड मानो बी एड इसके लिए है ठीक है ना ये क्लास बाकी आप उर्दू अदब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी काम आएगा ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा काम लेकिन सी टेट वालों को ये काम नहीं आएगा सी टेट में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है ठीक है ना हाँ यूपी टीजी टी में ये सॉरी यूपी टेट में भी पूछा जाता है एम पी टेट में रीट में ये सब में ये सब चीजें पूछी जाती हैं और बिहार टेट वगैरह में भी ये सब स्टेट वगैरह में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं लेकिन सीटीएट में ये नहीं पूछा जाएगा सीटीएट का पैटर्न सबसे अलग होता है दूसरा जो शेरी मजमु है जे जे दूसरा जो शेरी मजमु है इनका इनका फैज अहमद फैज का उनका नाम है दस्ते सबा जो उन्नीस में शाये हुआ था कब हुआ था उन्नीस सौ ईस्वी में शाये हुआ था और तीसरा जो मजमु है फैज अहमद फैज का उसका नाम है जिंदा नामा जो उन्नीस में शाये हुआ था और जो चौथा मजमु है इनका उसका नाम है दस्ते तहे संघ किसका साथियों दस्ते तहे संघ जो उन्नीस ईस्वी में शाये हुआ था और जो पांचवा मजमुआ है उसका नाम है सरवा दिए सीना जो उन्नीस में शाये हुआ था और जो छठा मजमुआ है उसका नाम है शाम शहरे यारा जो उन्नीस में शाये हुआ था और जो सातवां मजमु है वो है मेरे दिल मेरे मुसाफिर जो उन्नीस सौ इक्यासी ईस्वी में शाये हुआ था तो ये टोटल सात शेरी मजमु हैं फैज अहमद फैज के जिसको के साथियों आपको एक एक करके बताया और इन सातों को एक जगह इकट्ठा करके फैज के कुलियात यानी नुस्खाए वफा के नाम से भी शाये किया गया था तो ये तो थे फैज अहमद फैज के शेरी मजमु लेकिन अब जानते हैं नसरी तसनीफ नसर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं तो नसरी तशनी तस्री में जो साथियों इनकी किताबें थी उसमें से सबसे पहली जो किताब है उसमें नाम आता है मीजान मीजान जिसमें तनकीदी मजामी शामिल है जो उन्नीस सौ छत्तीस ईस्वी में क्या हुआ था शायद हुआ था दूसरा है साथियों सिले, हैं मेरे दरीचे में जो फैज के खतूत का मजमु है और आगे है मता लाहौो कलम जो उन्नीस सौ बहत्तर में शायद हुआ था हमारी कौमी सकाफत जो उन्नीस सौ छिहत्तर में शायद हुआ था और मेहो साल आशनाई जो फैज़ अहमद फैज का लिखा हुआ एक खुद नवि है जो उन्नीस सौ अस्सी में शायद हुआ था तो ये तो किताबों के नाम थे फैज अहमद फैज एक नज्म वो शायर थे गजल भी कहते थे वो तो उनकी जो साथियों मशहूर नज्म हैं जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में बार बार जैसे कि आपको पूछा जाएगा मुलाकात तो मुलाकात जो है फैज अहमद फैज की नज़म है जिंदा की एक शाम उसी की नज्म है सुबह आजादी बड़ा फेमस है भी, भी में लगा लीजिएगा तनहाई ये भी फैज अहमद फैज की नज्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग ये भी फैज अहमद फैज की ही क्या है नज्म है इसको भी वी में लगा लीजिएगा ठीक है ना अब चलते हैं फैज अहमद फैज के मुतालिक मुख्तलिफ आरा खयालात यानी फैज अहमद फैज से मुतलिक जो है कुछ साथियों जो अखबार हैं जो पूछे जाते हैं वो भी आप देख लीजिए पैरस की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है ये बात कही है नून मीम राशिद ने किसने कहा है नून मीम राशिद ने और क्या चल रहा भाई किसको चलिए ठीक है ना आगे है फैज़ की शायरी में अंग्रेज़ी अदब के एक खुशगवार असर जदय इंसान के जहन और एशियाई तहजीब के काबिल एशियाई तहजीब के काबिल कदर अनासर की एक कोश कज़ह जलवागर है ये बात कही थी साथियों आल अहमद सुरूर ने और फैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे ये बात कही थी मजरूह सुल्तानपुरी ने किसने कही है मजरूह सुल्तानपुरी ने तो मिला जुला के साथियों तीन ही अकवाल मैंने आपको लिखाया है और इस तीनों को आप याद कर लीजिएगा फैज अहमद फैज की एक नजम है नज्म आजादी इसको आप देख लीजिए और इसके कुछ अशार भी आप सुन लीजिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नज्म आजादी फैज अहमद फैज के दूसरे मजमु दस्ते सबा में शामिल है पहला मजमु जो है नक्शे फरियादी उसमें नहीं दूसरा जो इनका शेरी मजमु है दस्ते सबा इसके अंदर सुबह आजादी शामिल है इस नज्म को फैज ने अगस्त उन्नीस में आजाद नज्म की हयत में लिखा था देखिए जैसे मान लीजिए सपोज तो दैट आपके पास साथियों फोर व्हीलर नहीं है तो आप यह महसूस करते हैं कि अगर हमारे पास चार चक्का गाड़ी हो जाए तो क्या मेरी लाइफ हो जाएगी मुझे दुनिया सलाम करेगी लेकिन जब फोर व्हीलर गाड़ी हो जाती है तो आपको लगता है कि अरे ये वही दिन है वही रात है वही चीज है मैं वैसा कर वैसा ही है और इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई साथियों कैद में हो अगर उसको ये सपना मिल जाए कि आजादी क्या होती है तो उसको कैसा लगेगा कि अरे हम अब आजाद हो जाएंगे जो मर्जी होगा वो करेंगे तो ये सुबह आजादी जो है ये आजादी के ही मौजू पर है जी आपको पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था नहीं अब हम जो है सुबह आजादी नज्म की जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानी को हम लोग देखेंगे तो मुश्किल अल्फाज के मानी जो सुबह आजादी में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसको आप देख लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर उनके कुछ अल्फाज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे चलिए ध्यान दीजिएगा गजीदा एक लफ्ज आएगा गजीदा इसका मतलब होता है डसा हुआ या काटा हुआ सहर सीन हे रा के साथ आता है तो इसका मतलब होता है सुबह दश्त के माने होते हैं जंगल के और करी जो है ये करीब या पास के माना में आता है सुबुक सुबुक के माने होते हैं हल्का या नाजुक निगार के माने होते हैं महबूब के और गड़ानी के माने होते हैं महंगाई या बोझ तो के और के माने होते हैं अंधेरा के और फलक माने होता है आसमान और गाम गाम के माना होता है कदम या फासला और फरात के माना होता है जुदाई विसाल का मतलब होता है मुलाकात निशात का माना होता है खुशी और वसल का मतलब भी होता है मुलाकात हिजर का मतलब होता है जुदाई और सबा का मतलब होता है हवा ए बादे सबा आपने सुना होगा नात वगैरह में तो हवा हवा भी साथियों क्या होता है सबा के माने में नूर के माने होते हैं रोशनी और चारा चारा हिजरा इसका मतलब होता है जुदाई का इलाज चारा माने तो चारा और हिजरा का मतलब होता है जुदाई और सफीना सफीना का कश्ती होता है माना सलाम का सफीना आपने पूरा पढ़ा होगा कश्ती के बारे में कैसी बीमारी आई सारे लोग लपेट में आ गए तो अब चलिए एक एक हम शेर को पढ़ेंगे एक एक मिसरा को पढ़ेंगे आप लोग सुनिए ताकि अगर इस अशार में से कुछ आ जाए तो आपको साथियों एग्जाम में अच्छा हो जाए आपको समझ में आ जाए ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं है शहर का मतलब होता है बिल्कुल आप जब फजर के टाइम उठेंगे ना उससे पहले भी सुबह होती है नूर का तड़का बोलते हैं तो ये शब गजीदा का मतलब होता है कि जब रात कट गई और बादल के अंदर छोटे छोटे जब चिंगारे टिमटिमा रहे हैं और सुबह का मौसम है तो वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं है यानी वो आजादी तो नहीं मिल गई ये वही आजादी है क्या ये वो शहर तो नहीं है जिसकी आरजू लेकर यानी ये वो सुबह तो नहीं है अब सुबह का मतलब होता है जो आजादी आपके दिल में है जो सपना में आपने सजो के रखा था ये वो शहर तो नहीं है जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं यानी जिनके लिए हमने जिद्दोजहद किया था जी हम बलिदान दिए थे लड़ाई किए थे और फांसी के फंदे पे चढ़े थे ये वही तो नहीं है पलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल जवान लहू की लहू की पुर असरार से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े दियारे हुस्न की बेसबर खाब गाहों से पुकारती रही बाहें बदन बिलाते रहे बहुत अजीज थी लेकिन रुख सहर की लगन बहुत करीन था हसीना नूर का दामन सुबुक सुबुक थी तमन्ना दबी दबी थी थकन सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्म नूर सुना है हो भी चुका है मंजिलो गाम बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर निशातो वसलो अजाबो हराम। जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन किसी पे चाराए हिजरा का कुछ असर ही नहीं कहां से आई निगार किधर को गई अभी चिरागे सर राह को कुछ खबर ही नहीं अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई निजात दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई ये साथियों जो अल्लाह सॉरी फैज अहमद फैज का सुबह आजादी है उसी के ये नज्म है तो आपने इसको देखा और फैज अहमद फैज के बारे में पढ़ा अब हम आपको लेकर चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव कराते हैं और इसमें आपका कितना आंसर क्वेश्चन सही होता है चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है जिंदा नामा क्या है शेरी मजमुआ है अफसानवी मजमुआ है है खाकों का चलिए क्या होगा बताइए बहुत ही अच्छा शानदार मैंने आपको बताया था कि फैज अहमद फैज के सात शेरी मजमु हैं तो पहला तो मैंने आपको बताया कि पहला जो शेरी मजमु है उसका नाम है नक्शे फरियादी क्या नाम है नक्शे फरियादी और जो दूसरा शेरी मजमु है उसका नाम है दस्ते सबा क्या नाम है दस्ते सबा और जो तीसरा शेरी मजमु है उसका नाम है जिंदा नामा क्या नाम है जिंदा नामा तो जिंदा नामा क्या है यह एक शेरी मजमु है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मुंदरजा जैल में फैज अहमद फैज का मजमु कौन सा है दस्ते सबा आहंग सुरखे सवेरा और गुले नगमा तो अभी आपको बताया गया कि दूसरा शेरी मजमु दस्ते सबा है इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है तीन नंबर में फैज की नज्म का उन्वान क्या है चांद तारों का बन बरखारुत एक लड़का तनहाई तो आपको बताया गया कि सुबह आजादी और इसी तरह तनहाई ये साथियों फैज अहमद फैज की नज्म का उनवान है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है अलामा इकबाल के अलावा सियाल कोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है बहुत फेमस क्वेश्चन है ये अगर आप उर्दू अदब की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हल्के लगे होंगे क्योंकि अलामा इकबाल भी 9 नवंबर सन अठारह को सियाल में पैदा हुए थे और फैज अहमद फैज भी 1911 को सियालकोट में ही पैदा हुए थे तो मा इकबाल के अलावा सियाल कोट में पैदा होने वाला साथियों फैज अहमद फैज ही वो शायर है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पांच नंबर में सुबह आजादी किसकी नज्म है जोश मलिहाबादी की फिराक गोरखपुरी की फैज अहमद फैज की अख्तरुल ईमान की तो सुबह आजादी जो है ये फैज अहमद फैज की नज्म है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद खान किसके वालिद का नाम है मजरू सुल्तान सुल्तान हैदर सज्जाद हैदर और फैज अहमद फैज सुल्तान मोहम्मद क्वेश्चन और जबकि हमने पढ़ा था कि अलामा इकबाल के वालिद का नाम है नूर मोहम्मद आज टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आएगा ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है फैज अहमद फैज की पैदाइश कब हुई थी 1911 में 1912 में 1927 में तो फैज अहमद फैज की पैदाइश सन 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आठ नंबर में फैज अहमद फैज का इंतकाल कब हुआ था 1980 में 1945 में और उन्नीस में कोई नहीं तो फैज़ अहमद फैज का जो इंतकाल है वो उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी में हुआ था ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट right हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नौ नंबर में मुलाकात किनकी लिखी हुई नज्म है अल्लामा इकबाल अल्ताफ हुसैन हाली सज्जाद जहीर फैज अहमद फैज मुलाकात किन की लिखी हुई नज्म है जिंदा नामा हुआ मुलाकात हुआ ये सारे के सारी नजमें जो है फैज अहमद फैज की है ऑप्शन नंबर डी एक बार आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार लाइक कर दें अगला क्वेश्चन है दस नंबर में जिंदा की एक शाम किसकी लिखी हुई नजम है फैज अहमद फैज इकबाल अहमद अली कोई नहीं तो यह नज्म भी जो है वो फैज अहमद फैज की ही है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उर्दू की सबसे पहली नज्म कौन सी है शब कदर चक्की नामा बरखारुत तन देखिए इस क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि जदीद उर्दू की पहली नजमें अगर ये पूछ जाए जदीद उर्दू लग जाए तो इस सूरत में साथियों एक नज्म का नाम है शब कदर और दूसरी नज्म का नाम है बरखारत ठीक है ना शब कदर जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है और बरखारत जो है ये हाल ही की लिखी हुई है लेकिन अगर आपसे मुतल पूछा जाए कि उर्दू की सबसे पहली नज्म है तो आप बताइएगा चक्की नामा जो कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज का लिखा हुआ है ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नई दुनिया को सलाम किसकी लिखी हुई नजम है अल्लामा इकबाल अल्ताफ हुसैन हाली चकबस्त और अली सरदार जाफरी नई दुनिया को सलाम किसकी लिखी हुई नजम है ये साथियों अली सरदार जाफरी की नजम है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा तेरह नंबर में है आदमी नामा किसकी लिखी हुई नजमें आदमी नामा बंजारा नामा मुफलिस नामा रोटी ये सारी की सारी नजमें मैंने आपको पढ़ाई है फैज अहमद फैज की है नजीर अकबराबादी की है जोश मलिक आबादी की है आदमी नामा किसकी लिखी हुई नज्म है तो आदमी नामा जो है ये साथियों नजीर अकबर आबादी की नज्म है ठीक है ना ऑप्शन नंबर सी फैज अहमद फैज ही नहीं दे दीजिएगा इसका अगला क्वेश्चन है जमाने के लिहाज से तकदीम किसको हासिल है कहीं पर तकदीम रहता है और कहीं पर लिख दिया जाता है तकद्दुम तकदुम का मतलब होता है कि जमाने के एतबार से सबसे पुराने कौन है वली गालिब, सौदा मीर देखिए गालिब की पैदाइश जो है वो सत्रह सो संतानवे में हुई थी ठीक है ना और सौदा की जो पैदाइश है वो सत्रह सो बारह ईस्वी में हुई थी और मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वो सत्रह सो बाईस या तेईस में हुई थी ठीक है ना इस टाइप का है और वली की जो पैदाइश है वो सोलह में हुई थी अब बताइए कितने दिनों का फासला है तो सबसे जो पुराने हैं वो वली है और वली को वली दक्कनी बोलिए या वली औरंगाबादी बोलिए चूंकि औरंगाबाद भी दक्कन में ही पड़ता है और दक्कनी भी दक्कन में ही है ठीक है ना वली के दीवान के आमद से ही दिल्ली के अंदर शेर व शायरी की इब्तदा हुई थी 1719 में मैंने पढ़ाया था पहले वाले आपको टॉपिक में याद होगा आपको ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि देखिए अभी जो जैसे हम लोग फैज अहमद फैज पढ़े हैं ना तो अभी तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन का वाला टेस्ट है, वहां पर आपको सही होगा चलिए फैज फौज के ओहदा में कैप्टन कब में हुए 1938 में 1941 में 1935 में 1930 में चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर जी बताइए पंद्रह नंबर क्वेश्चन का क्या होगा तो साथियों फौज के ओहदा में 1941 में ये क्या हुआ कैप्टन मुकर हुए थे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फैज का ताल्लुक किस तहरीक से था अलीगढ़ तहरीक हल्का अरबा बेजाक तरक्की पसंद तहरीक रूमानी तहरीक तो देखिए फैज अहमद फैज हुआ अली सरदार जाफरी हुआ और हाल ही है इन लोगों का जो ताल्लुक है वह तर, तरक्की पसंद तहरीक से था ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फैज का पहला शेरी मजमु कौन सा है नक्शे फरियादी दस्ते सबा जिंदा नामा और दस्ते तहे संग तो इनका जो पहला शेरी मजमु है उसका नाम है नक्शे फरियादी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नज्म सुबह आजादी कब लिखी गई 1948 में 1945 में 1946 में और 1947 में नज्म आजादी कब लिखी गई 18 नंबर क्वेश्चन लिखी गई थी सन में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पैस के मुताबिक आजादी की सुबह का उजाला क्या है पुर है, पुरबहार है दागदार है पुरसुकून है चलिए आ, इसमें उन्होंने कहा था ना उनकी जो नज्म है कि ये दाग दाग उजाला ये शब इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं है ये दाग दाग उजाला तो फैज के मुताबिक आजादी की सुबह का उजाला क्या है दागदार है क्या है दागदार है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा अगला क्वेश्चन है बीस नंबर में नज्म सुबह आजादी का मौजू क्या है जंग आजादी तकसीम हिंद का अलमिया आजादी की खुशी इनमें से कोई नहीं चलिए बीस नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर बहुत ही शानदार एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नज्म सुबह आजादी का जो मौजू है वो जंग आजादी है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फैज़ को शायरे रुमान और शायरे इनकलाब किसने कहा था अल्ताफ हुसैन हाली ने नून मीम राशिद ने कलीमुद्दीन अहमद ने फिराक ने तो फैज को शायर रुमान और शायर इनकलाब जो है नून मीम राशिद ने कहा था ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो खुलासा आज के इस क्लास के अंदर ये मिला कि फैज अहमद फैज की पैदाइश सियाल कोट में 1911 सौ ईस्वी में हुई थी और वफात उन्नीस में लाहौर में हुई थी और इनकी पैदाइश और इनकी वफात दोनों जो जगह है वो अलामा इकबाल की भी हुई थी ठीक है ना जी और इनके सात शेरी मजमु हैं जिसको हमने आपको बता दिया था साथियों अगर आप में से कोई भी डी ट्रिपल एस पी टी जी टी यूपी टीजी एल टी ग्रेड मानो बी एड इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अब बेहतर है कि आप पैड कोर्स लीजिए जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ताकि वहां पर आपका रिवीजन हो ऑनलाइन टेस्ट लगे आपको ताकि पता चले कि आपका कितना नंबर आ रहा है जब खुद से आप टेस्ट दीजिएगा साथियों एक बार बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पे के आप समझ सकते हैं दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन उर्दू अदब का टेस्ट आज लगा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नीचे में भी आपको लिंक मिल जाएगा जाकर आप दे दीजिएगा या नहीं तो आपके ग्रुप में भी लिंक भेजा गया है रात में खाना वाना खाने के बाद इतमान से टेस्ट दीजिएगा कोशिश यह होनी चाहिए आपके कि सौ में सौ आपका आए अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कोशिश आपकी यह होनी चाहिए कि सौ में आपके नब्बे तो आपके आ ही जाए सौ में कितना आ जाए नब्बे तो आपके आ ही जाए अगर इतना भी नौ कर सकते हैं अस्सी प्लस तो ले ही आइए अगर इससे नीचे है तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है क्योंकि जितना मैंने अब तक पढ़ाया है ना उसी से सवालत हैं उसके अंदर ठीक है ना किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सी का न्यू बैच कब से चालू होगा सर आ, अगले सप्ताह से इन हमारी कोशिश है चालू हो जाएगा पहले रमजान भी आ जाए उसका भी शेड्यूल बन जाए और एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दें किसी को और कुछ पूछना है डी त्रिपल एस बी वाले समय, की, समय को बर्बाद ना कीजिए अप्लीकेशन पे बहुत सारे और पीडीएफ पड़े हुए हैं पढ़िए उसको और उसके बाद आप वो और जो जनरल पेपर का है उसमें भी जी जान लगा दीजिए ठीक है ना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो चलिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का थैंक यू मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब